हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। अभी अभी हमें खबर मिली और आपने भी सुना होगा, सिद्धार्थ शुक्ला 40 ईयर एज बिग बॉस विनर 13, उनकी भी अभी डेथ हो गई है, हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। तो इससे एक चीज़ पता चली है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी फेमस हो, चाहे आप कोई भी हो, जब बुलावा ऊपर से आता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जितना हो सके प्लीज़ हैप्पी रहें और लोग हैप्पी रखें और अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस रखें। लोग जो भी आपसे जुड़े हैं और जितने को आप हैप्पीनेस जिनकी लाइफ में ला सकते हैं, उन सब लाइफ में हैप्पीनेस लाएं। लड़ाई, जेलस वेलस, ये सबको भूल जाओ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। क्योंकि अगर कोई इंसान गलती करता भी है तो उनकी गलतियों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। अगर इंसान ज़्यादा गलती करता है तो इंसान से गैप बनाइए, लेकिन नाराज़गी दिल में रखना या जेलस रखना इन सबको बंद करिए। क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा तो उनकी गलतियों का आप क्या करेंगे। तो इसलिए हो सके तो सबको माफ़ करते चलिए। नाराज़गी किसी के लिए अपने दिल पे मत रखिए, क्योंकि अगर आप किसी लिए रखेंगे, कुछ बाई से नाराज़गी रख रहे हैं, कल उसे कुछ हो जाए तो ज़िंदगी भर का गिल्ट आपको रहेगा। इसलिए सबके साथ मिलकर रहिए, अच्छे से रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत रखिए। क्योंकि क्या था, हार्ट अटैक आया, क्यों आया, उनको कुछ नहीं पता। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बड़ी है, किसी को नहीं पता। इसलिए प्लीज़ सब हैप्पी रहें अपनी लाइफ में और जितने को रख सकते हैं हैप्पी रखें। और प्लीज़ आप सब मिलकर भी प्रे करें कि भगवान सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, उनके अपनों को, उनके दोस्तों को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे। और प्लीज़ प्रे करें अगले जन्म में भी सिद्धार्थ शुक्ला बहुत नाम कमाएं और उम्र बहुत लंबी पाएं, इतनी जल्दी कभी छोड़ के ना जाएं। प्लीज़ प्रे फॉर हिम।